सो so, होप जो वीडियो है आज का आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो जो भी हमारे वीडियोस पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और uh, जो भी सब्सक्राइब कर लिए हैं हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करें उनको दिल से शुक्रिया थैंक यू सो मच गाइस आप लोग इतना प्यारा एंड इतना सपोर्ट दे रहे हैं जो भी हमें सपोर्ट करें उनको दिल से शुक्रिया एंड uh, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को फुल वॉच करना तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे मैंने एक ये हैंकी लिया हुआ है ये कॉटन का रुमाल बोलो इसको हो है ये तो इसको मैंने सिंपल सा स्क्वायर शेप में फोल्ड कर लिया है और आप अपनी साड़ी के मैचिंग का या थोड़ा डिफरेंट या कंट्रास्ट लुक जो आप लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं इसको आप सबसे पहला जो स्टाइल बता रही हूँ टक करने का साड़ी के अंदर रुमाल को तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे ही आप सिंपल सा टक कर सकते हैं ये स्टाइल नंबर वन है मतलब आज के डेट में आ, साड़ी में बहुत कम ही लोग हैंकी और टक करते हैं बट ये रिक्वेस्टेड वीडियो है दैट्स वाई आई एम शेयरिंग वीडियो ऑल एंड होप आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है ये वीडियो तो देख सकते हैं मैंने सिंपल उसको ऐसे टक किया ये था स्टाइल नंबर वन एंड स्टाइल नंबर टू बताती हूँ कैसे करके टक करना है सिंपल सा इस तरीके से लेना है और इसको एक और फोल्ड करना है और अगर आपको ये थोड़ा सा मतलब बहुत चौड़ा लगता है तो आप इसको सिंपल सा एक और फोल्ड इस तरीके से कर सकते हैं और ये बहुत ही पतला सा हो जाएगा और मुझे लगता है ना कि आज की डेट में हैंकी की जगह कि अगर आप की रिंग हो गया और ये या कमर वाले जो अलग से आते हैं स्टाइलिश आजकल बहुत डिज़ाइनर आने लगे हैं तो आप उनको टक करें तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे आई थिंक तो तो आप देख सकते हैं इसको सिंपल सा ऐसे करके टक किया साइड में और मुझे लगता है ना एक ही हैंकी सफ़िशियंट है अगर जो टक करना चाहते हैं दो हैंकी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे बहुत से लोग वीडियोस बनाते हैं दो हैंकी लेफ़्ट राइट में यूज़ करके लाइक दिस बट आ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मतलब तो दो आ, हैंकी टक करो तो जो मुझे पसंद है मैं वही शेयर कर रही हूँ जो अच्छा लगता है तो उसके बाद तो मैं ये थर्ड मेथड आपको बताने जा रही हूँ मतलब कि तीसरा तरीका कि आप किस तरीके से अपनी हैंकी को तक कर सकते हैं साड़ी में तो ये है कुछ डायमंड शेप में आएगा देखिए इसकी जो डिज़ाइन है ना दोनों साइड तो ये इधर इस तरीके से दिखनी चाहिए और डिज़ाइनर हैंकी होगा तो अच्छा लगता है और पहले तो लोग यूज़ करते थे बहुत ही ज़्यादा आजकल तो पहले लोग पर्स वगैरह लेके नहीं चलते थे आजकल पर्स वगैरह लेके चलते हैं तो उसमें सारी चीज़ें रहती हैं तो ये सब चीज़ों को आपको ऐसी जगह पे रखने की लगाने की नीड नहीं पड़ती है पहले क्या होता था लोगों के पास पर्स वगैरह नहीं होते थे तो इनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ने से हैंकी के छूटने के चांसेस बढ़ जाते थे तो लेडीज़ मैक्सिमम अपनी साड़ी में इस तरीके से टक करके रखती थी तो ये था हमारा थर्ड में थर्ड एंड अब हम बताने जा रहे हैं आपको फोर्थ में कि आप कैस तरीके से लगाएं हैंकी को और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था काफ़ी दिन से लोग रिक्वेस्ट किए जा रहे थे किए जा रहे थे और हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने आए तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक सिंपल सा है फिर देखिए स्क्वायर शेप में इसको फोल्ड किया हुआ है फिर उसको एक बार और फोल्ड कर दिया है तो ये कुछ इस तरीके से बन गया इसकी भी जो डिज़ाइन है आ, वो इस तरीके से नहीं लेना है आपको ये डिज़ाइन छुपनी नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कंडस्ट डिज़ाइन दिखता है तो वो अच्छा लगता है देख सकते हैं आप खुद ही देख सकते हैं तो ये डिज़ाइन जो है वो डाउन साइड में ही आनी चाहिए सो नाव ये हमारा फोर्थ लुक है और इसके बाद हम आपको और भी लुक शेयर करते हैं सब बने रहिए मेरे साथ में बाद गाइज यहाँ पे देखिए फिर से हैंकी को आपको एक स्क्वायर शेप में पहले फोल्ड करना है मैक्सिमम मतलब जो इजी तरीके हैं मैं वो आपको लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा डिज़ाइन या फ्लावर बना के कुछ ऐसा शेयर नहीं कर रही हूँ तो आपको इस तरीके से लेना है फिर आपको करना क्या है देखिए इस तरह से लेने के बाद में आ, जो डिज़ाइन वाला है उसको अंदर कर दीजिए और थोड़ा सा और अंदर करके रब करेंगे तक तो ये ट्राइंगल शेप ले लेगा सो so, ये ट्रायंगल शेप वाला जो लुक है ये भी बहुत ही अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं मतलब ये वाला लुक भी मुझे अच्छा लग रहा है होप आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ आइए तो आप ये लोग कमेंट्स करके बताएंगे तो एंजॉय कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है ये वाला लुक एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये वाला लुक पसंद आया होगा और आप सबका ये रिक्वेस्ट वाला वीडियो था तो फिर होप बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तो गाइज यहाँ पे मैं एक हैंगी को मतलब एक और डिज़ाइन जो मैंने बनाया हुआ था उसको मैं फोल्ड करना भूल गई हूँ बताना तो आप देख सकते हैं ये वाला तो इसमें क्या है मैंने दोनों कॉर्नर्स को अंदर की साइड में फोल्ड किया हुआ था और आई थिंक मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैं शायद कैमरे को ऑन करना भूल गई हूँ मुझे लग रहा है वीडियो शूट हो रहा है हो जाता है समटाइम्स ऐसी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है सिली सिली सी बोलो तो ठीक है क्या आप, तो तो so, uh, आप लोगों को बहुत पसंद आया हो कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आया हो एंड जिन लोगों को पसंद आया प्लीज कॉमेंट करना मत भूलना लाइक करना मत भूलना चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो चैनल को सपोर्ट करो और चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक तब तक एक नए वीडियो के साथ में कुछ फिर से कुछ नया लेके समथिंग डिफरेंट आई विल ट्राई तो चलिए बाय तब तक के लिए केयर स्टे हेल्दी स्टे सेफ बाय